Hello students of class 12th, I welcome you in today's English literature lecture. In the previous lecture, I have given you the glimpse of about the author A.L. Basham and summary of the lesson, The Heritage of India. Now, today we will continue its part 2. The second part is as follows. Mahatma Gandhi was looked on by many, both Indian and European, as the epitome of Hindu tradition. But this is a false judgment, for he was much influenced by Western ideas. Gandhi believed in the fundamentals of his ancient culture, but his passionate love of the underdog and his antipathy to caste, though not unprecedented in ancient India, were unorthodox in the extreme and owed more to European 19th century liberalism than to anything Indian. His faith in nonviolence was, as we have seen, by no means typical of Hinduism. His predecessors in revolt, the able Maratha Brahmin Bal Gangadhar Tilak and Gandhi's impatient Lieutenant Subhash Chandra Bose were far more orthodox in this respect. For Gandhi's pacifism, we must look to the Sermon on the Mount and to Tolstoy. His championing of women's right is also the result of Western influence. In his social context, he was always rather an innovator than a conservative. Though some of his colleagues thought his program of limited social reform too slow, he succeeded in shifting the whole emphasis of Hindu thought towards a popular and equalitarian social order in place of the hierarchy of class and caste. Following up the work of many less well-known 19th century reformers, Gandhi and his followers of the Indian National Congress have given new orientation and new life to Hindu culture after centuries of stagnation. Now, अनेक लोगों के द्वारा, जिनमें भारतीय एवं यूरोपीय दोनों ही हैं, महात्मा गांधी को हिंदू परंपरा की उच्चता का प्रतीक माना गया है, किंतु यह गलत धारणा है, क्योंकि वे पश्चिमी विचारों से अधिक प्रभावित थे। इन लाइनों में बच्चों ये बताया गया है कि अपने देश के लोग यानी भारतीय और विदेशी यूरोपीय लोग दोनों का ये मानना था कि जो महात्मा गांधी हैं वो भारतीय परंपरा यानी हिंदू परंपरा के प्रतीक हैं और वो उसी को मानते हैं, उसी के प्रति अपनी कट्टरता दिखाते हैं, जबकि ऐसा नहीं था। ये बिल्कुल गलत है। वो और उनके विचार पाश्चात्य देशों से ज़्यादा अधिक प्रभावित थे। पाश्चात्य विचारों को उन्होंने ज़्यादा अपना रखा था। गांधी जी अपनी प्राचीन संस्कृति के मूल सिद्धांतों में विश्वास करते थे, परंतु यद्यपि प्राचीन भारत में पहले भी ऐसा हुआ है, फिर भी पद दलितों के प्रति
उनका भावुकता भरा प्रेम और नीति यानी भेदभाव के प्रति उनको अरुचि भाव अत्यधिक रूप से पुरानी परंपरा के विरुद्ध था और इस संदर्भ में वह किसी भारतीय विचारधारा की अपेक्षा 19वीं शताब्दी के यूरोपीय उदारवाद के ऋणी कहीं अधिक थे। यानी कि जो प्राचीन काल में भेदभाव किया जाता था जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, उसको महात्मा गांधी बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते थे, उसको बिल्कुल नहीं मानते थे। उनका कहना था कि 19वीं सदी में ये जो भेदभाव है इसको किसी भी प्रकार से दूर करना होगा या करना चाहिए, और कैसे दूर होगा वो यूरोपीय उदारवादिता के अनुसार कार्य करना चाहते थे और वैसे ही विचार अपने जीवन में रखते थे। उनका मानना था कि यदि हम धर्म और जाति के नाम पे अलग अलग रहेंगे तो हम टूट सकते हैं और कमज़ोर पड़ जाएंगे, हमारी संस्कृति कमज़ोर पड़ जाएगी। और जिस प्रकार का व्यवहार या जिस प्रकार का भेदभाव प्राचीन समय में किया जाता था वह गलत था उनके अनुसार। वो कहते थे कि मनुष्य और मनुष्य के बीच में कभी भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसलिए इसको मिटाना परम आवश्यक है। अहिंसा में उनका विश्वास, जैसा कि हम देख चुके हैं, किसी भी प्रकार से हिंदुत्व का प्रतीक नहीं था। वो महात्मा गांधी अहिंसावादी थे और ये अहिंसावादी होना किसी भी प्रकार से हिंदुत्व का प्रतीक नहीं हो सकता। अहिंसा तो किसी भी धर्म, किसी भी जाति के लोगों के लिए हो सकती है। अहिंसा का अर्थ बच्चों होता है हिंसा न करना, यानी कोई भी कार्य यदि बिना हिंसा के साथ किया जाए वो अहिंसा के अंतर्गत आता है। क्रांति में उनके पूर्वज समर्थ मराठा ब्राह्मण बाल गंगाधर तिलक और गांधी जी के अधीर सहयोगी सुभाष चंद्र बोस इस मामले में कहीं अधिक रूढ़िवादी थे। अब देखिए यहाँ पर एल बैशम ये कहते हैं, उनका ये मानना था कि गांधी जी की अपेक्षाकृत बाल गंगाधर तिलक जो एक ब्राह्मण थे और सुभाष चंद्र बोस जो महात्मा गांधी के सहयोगी थे वो ज़्यादा रूढ़िवादी थे अपने इन रूढ़ियों के प्रति जो प्राचीन काल से चलती चली आ रही थी। यदि हम गांधी, बाल गंगाधर तिलक और सुभाष चंद्र बोस की तुलना करें तो रूढ़िवादिता में बाल गंगाधर तिलक और सुभाष चंद्र बोस अधिक रूढ़िवादी थे महात्मा गांधी की अपेक्षा। महात्मा गांधी नए विचारों को अपने हिंदू धर्म में लाना चाहते थे, उसको अपनाना चाहते थे और अपनाने की प्रेरणा देते थे, किंतु गंगाधर तिलक और सुभाष चंद्र बोस ऐसा नहीं करते थे। सुभाष चंद्र बोस को अधीर कहा गया है। अधीर का अर्थ होता है बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित रहना, एक्साइटेड जिसको कहते हैं, क्योंकि गांधी जी के अनुसार जो उनके सहयोगी सुभाष चंद्र बोस थे उनमें पेशेंस की बड़ी कमी थी, वो अहिंसावादी विचार को नहीं मानते थे। गांधी जी के शांतिवाद के लिए हमें ईसा के सर्मन ऑन द माउंट तथा टॉलस्टॉय की ओर देखना चाहिए।
यानी यदि हमको गांधी जी के शांतिवाद को अपनाना है तो हमें क्या करना होगा? ईसा मसीह द्वारा सर्मन ऑन द माउंट और टॉलस्टॉय की ओर देखना चाहिए, यानी टॉलस्टॉय द्वारा लिखी गई चीज़ों के प्रति देखना चाहिए कि अहिंसा का सही अर्थ क्या होता है, ये दोनों बताते हैं। स्त्रियों के अधिकारों के लिए उनका एक आंदोलन चलाना भी पश्चिमी प्रभाव का फल है। अब महात्मा गांधी ने स्त्रियों के अस्तित्व को लेकर के भी एक आंदोलन चलाया, ये भी पश्चिमी प्रभाव के अंतर्गत आता है। अपने सामाजिक संदर्भ से वे हमेशा एक परंपरावादी न होकर एक आविष्कारक रहे, यानी वो परंपरा को ना अपना करके वो क्या अपनाते थे, आविष्कार करने में ज़्यादा विश्वास रखते थे, यानी नई भावनाओं का आविष्कार, नई चीज़ों का आविष्कार, नए समाज का आविष्कार। यद्यपि उनके कुछ साथी उनके सीमित समाज सुधार के कार्यक्रम को बहुत धीमा मानते थे, तो भी वे हिंदू विचारधारा के संपूर्ण प्रभाव को वर्ग तथा जाति की परंपरा से हटाकर एक जनप्रिय व समता वाली सामाजिक व्यवस्था की ओर मोड़ देने में सफल रहे। वो समाज का सुधार करना चाहते थे। बेशम के अनुसार महात्मा गांधी एक समाज सुधारक, और समाज को सुधारने में जो प्रक्रिया उन्होंने अपनाई उनके साथ ही उस प्रक्रिया को बहुत ही धीमा मानते थे, यानी पूर्ण रूप से सफल नहीं मानते थे, जबकि ऐसा नहीं था। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को लेकर समाज का सुधार करना चाहा और धीरे धीरे ही सही सामाजिक व्यवस्था अपने जनप्रिय व समता वाली सामाजिक व्यवस्था की ओर मोड़ देने में सफल रहे, बहुत हद तक सफल रहे। 19वीं शताब्दी के कम प्रसिद्ध सुधारकों के कार्यों को अपनाते हुए गांधी जी व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वाले उनके अनुयायियों ने शताब्दियों की निष्क्रियता के बाद हिंदू संस्कृति को एक नवीन दिशा एवं जीवन दिया है। यानी 19वीं शताब्दी में जो सुधारक कम प्रसिद्ध थे उन्होंने गांधी जी के अनुसार अपने कार्य को जारी रखा और बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वाले उनके जो अनुयायी थे उन्होंने सैकड़ों वर्षों से जो हिंदू कल्चर, हिंदू सभ्यता के अंतर्गत निष्क्रियता थी उसको उन्होंने दूर करके और काफ़ी हद तक दूर करके हिंदू संस्कृति को एक नवीन दिशा एवं जीवन प्रदान किया। तो बच्चों देखिए हमारी हिंदू संस्कृति किस प्रकार से धीरे धीरे करके परिवर्तित हुई, और उस परिवर्तन का एक बहुत बड़ा परिणाम है कि हम स्त्रियां काफ़ी हद तक आज़ादी प्राप्त कर सकें और पढ़ने लिखने में हम घर से बाहर निकल सकें और पढ़ाई लिखाई करके अपने आप को एक सम्मानजनक स्थान पर पहुंचा सके। यदि महात्मा गांधी ने और उनके सहयोगियों ने, उनके अनुयायियों ने
इस प्रकार की शुरुआत न की होती तो सोचने का विषय है कि आज भी हम शायद उतने ही पिछड़े रहते जितने सैकड़ों सैकड़ों वर्षों पूर्व थे, और आज भी हमारा अस्तित्व केवल हमारे घर के अंदर तक सीमित रह जाता। तो बच्चों, हम सबको विशेष धन्यवाद देना चाहिए इस बात के लिए जिन्होंने हमें हमारे जीवन को सुधारा और यहाँ तक लेकर के आए। तो आज के लिए इतना ही बस बच्चों, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे। सो थैंक यू चिल्ड्रन।